हेलो एवरीवन, आज है 28 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फेडरल बैंक के बारे में। देखिए, तकरीबन 45 रुपीज के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भैया, क्या फेडरल बैंक में खरीदारी करने का ये सही मौका है कि नहीं, क्योंकि देखिए छोटा बैंक है लेकिन काफी सस्ते दाम के ऊपर अवेलेबल भी है। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 45 रुपीज के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में 1% का ग्रोथ है। 39 रुपीज तक का लो था, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, 46 रुपीज तक पहुंचा, फिर गिरावट आई, फिर बढ़िया से बाउंस बैक किया। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में 53% की गिरावट है। 110 रुपए से गिरता हुआ शेयर नीचे आया, फिर बाउंस बैक किया, फिर नीचे आया, फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, फिर ऊपर आया शेयर। 3 साल की हम बात करें तो पिछले 3 साल में फेडरल बैंक में 58% तक की हमें गिरावट देखने को मिली है। 126 रुपए तक का हाई था, गिरावट, बाउंस बैक, गिरावट, बाउंस बैक, गिरावट, बाउंस बैक। तो देखिए, अगर हम कोरोना के पहले तक की अगर हम बात करें तो शेयर उतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रहा था, मतलब कि मुश्किल से शेयर बहुत कम ग्रोथ और बहुत कम गिरावट के साथ चल रहा था, और अगर गिरावट आती भी थी तो वापस से बाउंस बैक करके वहां पहुंच रहा था जहां पहले ट्रेड कर रहा था, और वहां पर पहुंचने के बाद फिर से नीचे शेयर में गिरावट आ जाती, फिर बाउंस बैक होता था। लेकिन कोरोना के चलते शेयर में बहुत बड़ी गिरावट आई है और काफी नीचे तक शेयर टूट गया है। पिछले 10 साल की हम बात करें तो फेडरल बैंक में 58% तक की गिरावट, सॉरी 58% तक का ग्रोथ है। 22 रुपए तक का लो है। आप देखिए, 22 रुपए तक का जो लो बना था वो तकरीबन तकरीबन बना था 2010 के आसपास, ये लो बना था। फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर एक बहुत बड़ी रैली आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई। यहाँ पर आप देखिए, मिड कैप स्टॉक है तकरीबन 9,000 करोड़ के आसपास के इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखेंगे तो 87 लाख जितना इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करेंगे हम तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एफआईएल के पास 33.31% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 25.98% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 5.91% की होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 29.59% की होल्डिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 36 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, 235 एफआईएस ने पैसा लगाया है। यहाँ पर हाईएस्ट पब्लिश होल्डर यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल प्राइवेट बैंक है, जिनके पास 4.84% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 26.84% के आसपास देखने को मिली है। डिविडेंड भी बढ़िया पे कर रहा है, 70% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 1 रुपए 40 पैसा मिल रहा है, 1 रुपए 40 पैसा पर शेयर मिल रहा है। फेडरल बैंक की अगर हम बात करेंगे तो कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज के जो एनालिस्ट है वो काफी ज्यादा यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, और 19 एनालिस्टों ने, मतलब यहाँ पर कोई लोगों की बात नहीं हो रही, एनालिस्ट की बात हो रही है, 19 एनालिस्ट ने यहाँ पर खरीदारी की रिकमेंड की है, 4 लोगों ने होल्ड करने की रिकमेंड की है, और कोई भी यहाँ पर इसको बेचने की बात नहीं कर रहा है। हर कोई कह रहा है, मतलब जो एनालिस्ट है बड़ी बड़ी कंपनियों के, वो हर कोई कह रहा है कि भैया या तो खरीदो, और खरीदा है तो होल्ड करो, बेचने की बात यहाँ पर कोई भी नहीं कर रहा है। फेडरल बैंक की अगर हम बात करें तो मोतीलाल ओसवाल ने फेडरल बैंक को बाइंग रेटिंग में रखा है और 75 रुपीज तक का टारगेट प्राइस रखा है। 75 रुपीज तक का टारगेट प्राइस फेडरल बैंक में मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पर रखा हुआ है। अगर हम मनी कंट्रोल में जाए तो मनी कंट्रोल में फेडरल बैंक की टेक्निकल रेटिंग काफी अच्छी दिखाई दे रही है। पीई इसका 5.51 है, इंडस्ट्री पीई 24.46 है, बुक वैल्यू 66 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.67 है, ईपीएस 8.15 है, और डिलीवरीज 35 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 80% लोग खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं और 20% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग इनके ऊपर तकरीबन 1,40,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनके ऊपर कर्जा है। उसके साथ साथ कंपनी के अगर, मतलब बैंक के अगर हम नेट प्रॉफिट्स देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि भैया बढ़िया तरीके से ग्रोथ है। दिसंबर क्वार्टर में 440 करोड़ का मुनाफा हुआ था, सितंबर में 416 करोड़ का मुनाफा, जून में 385 करोड़ का मुनाफा, मार्च में 380 करोड़ का मुनाफा, दिसंबर में 333 करोड़ का मुनाफा। मतलब आप देखिए, क्वार्टर दर क्वार्टर ग्रोथ हो रहा है।
333 करोड़, 380 करोड़, 385 करोड़, 416 करोड़, 440 करोड़। मतलब भैया ग्रोथ है, एक भी क्वार्टर पिछले 5 क्वार्टर में ऐसा एक भी क्वार्टर नहीं है कि पिछले क्वार्टर से कम पैसा कमाया हो। हर क्वार्टर में बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है फेडरल बैंक में। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं फेडरल बैंक की, तो देखिए ये शेयर को मैं शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ खरीदारी करने के लिए, मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अब मैं इसका पिछले 3 साल का अगर परफॉर्मेंस देख रहा हूँ तो ऑलमोस्ट फ्लैट मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब जहां शुरू हुआ था वहीं पे खत्म हो जाता है ये शेयर, बीच में कोई तो फायदा नहीं है। तो यहाँ पर इसी तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं कि गिरावट आए तो भैया खरीदारी कर लो, तेजी आए तो बेच दो, फिर से गिरावट आने वाली ही है तब फिर से खरीदारी कर लेना, जैसे ही फिर तेजी आए तब बेच देना। अभी की जो गिरावट है वो काफी बड़ी गिरावट है, इसमें अगर हम देखने की कोशिश करें तो अभी की जो गिरावट है वो काफी बड़ी गिरावट है। तकरीबन 96 के लेवल से टूट कर शेयर अभी हमारे पास जो अवेलेबल है वो 44 रुपीज तक पहुंचा है। मैं कहूंगा कि जरूर इस गिरावट का फायदा उठा सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। और लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि भैया आप इसको 1 2 साल 3 साल के लिए खरीद के रख लो, मैं यही कहूंगा कि तेजी आए अगर आपको पर शेयर, अगर आप ये शेयर 60 या 65 या 70 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो तब आप अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसको ऐसे रिकमेंड नहीं करूंगा कि भैया आप 2 साल के लिए रख लो 3 साल के लिए रख लो, क्योंकि वापस से ये शेयर उसी प्राइस पर आ जाएगा। ठीक है, अगर 75 तक पहुंचा है तो वापस से गिरकर ये 65 तक जरूर आएगा, अगर 65 से फिर से ये 80 तक पहुंचा है तो वापस से गिरकर ये 60 तक जरूर आएगा। तो ये वो शेयर है जिसमें तेजी के बाद गिरावट आनी ही आनी है। तो और अभी हाल फिलहाल में जो बैंकिंग सेक्टर है, खासकर जो प्राइवेट बैंक्स है और जो छोटे बैंक्स है, उनके ऊपर लॉन्ग टर्म का दाव खेलना उतना सही नहीं रहेगा, खास करके यस बैंक का जो इस तरीके से क्राइसिस आया है उसके बाद तो लॉन्ग टर्म का दाव खेलना काफी रिस्की रहेगा। तो मैं हमेशा कहूंगा कि लॉन्ग टर्म का दाव आप खेलना चाहे तो HDFC है, SBI है, ICICI है, इन सब पे आप खेले। जो छोटी बैंक है उसमें आप शॉर्ट टर्म का ही गेम प्ले करें, और फेडरल बैंक भी शॉर्ट टर्म में एक बढ़िया रिटर्न देने का पोटेंशियल जरूर रखता है। अगर आप कोई ऐसा शेयर चूज कर रहे हो जो 50 रुपए से भी कम प्राइस के ऊपर अवेलेबल हो तो जरूर आप फेडरल बैंक के ऊपर अपना दाव खेल सकते हैं, लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ शॉर्ट टर्म के लिए। अगर पर शेयर आपको 15 रुपए तक का फायदा हो जाता है तो आप इसको बेचकर अपना जो प्रॉफिट है उसको बुक कर सकते हैं, क्योंकि शेयर वापस नीचे जरूर गिरेगा। तो जैसे सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी शेयर में तेजी जरूर आपको देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि शेयर में उतना पोटेंशियल है कि शॉर्ट टर्म में ये शेयर 65 रुपए तक पहुंचने का दमखम तो जरूर रखता है। तो बाकी मर्जी आपकी है, पैसा आपका है, तो डिसीजन भी आप ही को लेना है कि भैया खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं। मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ आपको, तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। फेडरल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।